रंग बिरंगे पतंगों को आसमान में उड़ते देखना आपको अपने बचपन की याद जरूर दिलाता होगा। उन्हीं यादों को ताजा करने के लिए पतंग उत्सव एक बेहद ही खास मौका है, लेकिन इस उत्सव से पर्यटकों को भी काफी आकर्षित किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं गुवाहाटी में हाल ही में आयोजित काइट एंड रिवर फेस्टिवल की। आइए देखें इसकी कुछ झलकियां। भारत अपने विभिन्न संस्कृति के लिए जाना जाता है, इनमें शामिल है पतंग उत्सव। पतंगों का इतिहास लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में पतंगबाजी का खेल बहुत पुराना और काफी प्रसिद्ध है। भारत के विभिन्न राज्यों में पतंगों को अलग अलग समय में उड़ाया जाता है और साथ ही इससे जुड़े त्योहारों को भी मनाया जाता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुवाहाटी शहर में भी काइट एंड रिवर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। हर साल आयोजित होने वाले इस महोत्सव के 10वें संस्करण का भी हाल ही में समापन हुआ। जीवन पतंग महोत्सव इस साल वाकई में हर साल से अलग रहा। ब्रह्मपुत्र नद के किनारे 3 दिवसीय ये महोत्सव खूब सारे रंग और मस्ती के साथ समाप्त हुआ। महोत्सव के 10वें संस्करण का मुख्य उद्देश्य कचरा और बेकार पड़ी चीजों से खूबसूरत वस्तुओं का निर्माण करना और पर्यटकों को आकर्षित करना रहा। महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम पतंग उड़ाने का त्योहार है, जिसमें विभिन्न आकार के पतंगों को शामिल किया गया और इस दौरान आसमान रंग बिरंगे पतंगों से भर गया। इस उत्सव में पतंग उड़ाने के साथ साथ लाइव म्यूजिक शो, पारंपरिक भोजन, खेल, कला और शिल्प जैसे कई कार्यक्रम भी शामिल किए गए। के साथ ही बांस और पेपर से बनी हुई चीजें, क्विज कंपटीशन, आर्ट फोटोग्राफी कंपटीशन भी मुख्य आकर्षण बने। इस साल का अनुभव बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, लास्ट 10 इयर्स से ज्यादा इस बार अच्छा हुआ। क्यों? एक तो एक गैप हो गया था जो पेंडेमिक के लिए, पेंडेमिक के बाद आदमियों को फिर से निकलने का मौका मिला, फेस्टिव सीजन आया, फिर वो लोग काइट उड़ाए, एग्जीबिशन देखे, पेंटिंग्स देखे, तो लास्ट कंपेयर टू लास्ट 10 इयर्स इस बार कुछ ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे जीरो वेस्ट जो है, यहाँ पे देखिए प्लास्टिक का कुछ यूज़ नहीं हुआ है। हम लोग जितना सके हैं नेचुरल, जैसे बैम्बूज, फिर नेट एंड पेपर्स, वही हम यूज़ किए हैं। और स्पेशली हमारा मेन मुद्दा है टू अपलिफ्ट द फ्रेश टैलेंट इन द सोसाइटी। और जनरली गैलरीज एंड ऑल उन लोग के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो एक खुला नेचर वाला एनवायरनमेंट लेके हम लोग ये एग्जीबिशन, इसको बोलते हैं आउटडोर एग्जीबिशन एक्चुअली, जो अंदर होता है उसको इंडोर एग्जीबिशन बोला जाता है। तो वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। यहाँ पे नियर अबाउट आपका 100 पार्टिसिपेंट्स है, लाइक फोटोग्राफर्स भी है, अपकमिंग फोटोग्राफर्स है, पेंटर है। एक्चुअली देयर इज़ अ ग्रुप, जो हम लोग एक ग्रुप है इमेजिनरी कैनवास, जहाँ हम नए नए फ्रेश टैलेंट्स को मौका देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अंडर प्रिविलेज बच्चों को मौका देते हैं। देन वी हैव आवर वन NGO ऑर्गेनाइजेशन, दैट वन नोन इज सवेरा, जहाँ हम लोग कुछ ऑर्फेनेज में जाते हैं, उन लोगों को फ्री वर्कशॉप देते हैं, कंपटीशन करवाते हैं। यहाँ पूरा नॉर्थ ईस्ट के हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट, लाइक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, पूरा नॉर्थ ईस्ट के हैं आप कह सकते हैं, 7 स्टेट्स है। एक्चुअली हमारे यहाँ लोकल फॉर वोकल तो है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग के यहाँ परचेज भी हुआ है। जो चंडीगढ़ से आए हैं वो लोग भी यहाँ से आके परचेज करके गए हैं, फिर उन लोगों ने हमें इन्वाइट भी किया कि आप आइए एक्सप्लोर कीजिए हमारे साथ। सो लोकल फॉर वोकल तो है, उसके साथ साथ हम लोग एज ए होल देख रहे हैं इसको। पिछले साल के मुकाबले इस साल कई आर्टिस्टों ने पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। उनमें से एक है अमित दास, जिन्होंने अपने माइक्रो आर्ट के हुनर और क्रिएटिविटी से सभी का ध्यान आकर्षित किया। मैं बस यही दिखाना चाहता हूँ कि एक छोटे छोटे चीज़ों में भी खुशियाँ होती है, छोटे छोटे चीज़ों में भी मीनिंग होती है। तो आप एक पेंसिल में सोच भी नहीं सकते कि ऐसा बन सकता है, लेकिन बनेगा, ज़रूर बनेगा। सभी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, सबका डिफरेंट डिफरेंट, एवरेज में बोल सकता हूँ 2 to 3 hours लगता है एक पेंसिल बनाने में। okay. पिछले कितने सालों से बना रहे हैं? ये 2 साल हो गया बना रहा हूँ मैं ये सब, और सेल भी बहुत हो रहा है। और ये ओकेशन में, ये इवेंट में सोचा कि यहाँ पे भी लेके आओ, लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दो कि ऐसा भी हो सकता है, और वर्कशॉप भी हो रहा है यहाँ पे, तो लोग अगर सीखना चाहे तो सीख भी सकते हैं यहाँ से। फ्री वर्कशॉप है ये, जो भी आ रहे हैं उन लोगों को मैं सिखा रहा हूँ।
जानकारी के अनुसार ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का पहला जीरो वेस्ट फेस्टिवल है, जहां किसी भी तरह का कचरा या गंदगी नहीं देखने को मिला। कोरोना काल ने हम सबको एक बार फिर नेचर के करीब और नेचर का महत्व समझाया है। उसी थीम को मद्देनजर रखते हुए पतंग महोत्सव में ब्रह्मपुत्र के किनारे साफ सफाई पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया और गंदगी न फैले इसके लिए चारों ओर कूड़ेदानों की भी व्यवस्था की गई। वहीं इस पर निगरानी रखने के लिए वॉलंटियर्स को भी नियुक्त किया गया। पहले आपका नाम बताइए। गार्गी ठाकुरिया। और ये डस्टबिन पुलिस के पीछे क्या राज है? देख सकते हैं बहुत लोग खा रहे हैं लेकिन वहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको बताना भी है कि अपना वेस्ट खुद ही फेंकिए। और वो लोग जो एक ही डस्टबिन में सब कुछ फेंक देते हैं, हम लोग वहाँ पे एक गड्ढा है जहाँ पे हम लोग दोबारा से अलग कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं और दोबारा जो जो चीज़ें यहाँ पे है उनको भी सेपरेट कर रहे हैं। लाइक प्लास्टिक के भी बहुत सारे कैटेगरीज है तो उनको भी डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए मैं हूँ यहाँ पे ताकि उनको बताऊँ कि फूड और वो सब सारे वेस्ट को सेपरेट करके रखो। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि पहला एक जीरो वेस्ट फेस्टिवल कर रहा है, तो अच्छा लग रहा है बिकॉज सब वेस्ट जाके हमारे ब्रह्मपुत्र में ही जाता है। जो हम लोगों का जीवन दान देते हैं उनको ही हम मारते रहते हैं। थोड़ी लोग तो गया ही, अभी ब्रह्मपुत्र को नहीं मार सकते, इसलिए हम हैं बहुत अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे। फिर यंग जनरेशन जो आ रहे चिल्ड्रन एंड ऑल, उन लोगों को टारगेट करना बिकॉज वही फ्यूचर है। अभी जो फ्यूचर जनरेशन चला गया वो तो चला गया, फिर भी हम लोग को ही करना है ताकि आगे जाके हम भी अपने चिल्ड्रंस को सिखा सके कि ऐसा कुछ करना है। तो यही पहला फर्स्ट मोटिव यही है हम लोगों को, यूथ को मतलब टारगेट करना है। इस इवेंट के क्रिएटिव हेड हिमेन कलिता से भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी युवा पीढ़ी को समर्पित इस फेस्टिवल के मुख्य उद्देश्य के बारे में विस्तार से अवगत कराया। और हम लोग यहाँ पे क्रिएटिव साइट्स देख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट्स जो भी मतलब पेंटिंग्स वगैरह जो भी घर में बनाते हैं ना, वो क्या होता है कि एक या दो पेंटिंग बनाते हैं, उसको लेके कहीं भी एग्जीबिशन करना मुश्किल होता है। तो जो ऑर्गेनाइजर है सुरेश दा, तो उन्होंने हमारे साथ कॉन्टेक्ट किया, तो हमने बोला सर ऐसा बात है कि हम लोग वी कैन अरेंज सम गुड क्रिएटिव पीपल्स एंड वी कैन गिव देम स्पेस वेयर दे कैन एग्जीबिट देम सेल्फ एंड दे कैन एक्सपोज देम सेल्फ, उसके बाद दे कैन सेल ऑल्सो, दे कैन गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा कंपटीशन भी करते हैं, ये जितना भी क्विज है, आर्ट है या फिर आपका पोएम रिसाइटेशन है, ये बच्चों के लिए ही है। एंड दिस इज़ द 10th जीवन काइट फेस्टिवल। यहाँ पे हम लोगों ने काइट मेकिंग वर्कशॉप भी रखा है क्योंकि आजकल यहाँ पे किसी काइट बनाता नहीं, हर कोई रेडीमेड आ जाता है, तो हमने वो भी एक रखा है कि बच्चों को सिखाया जाए, कम से कम एक सीख तो ले एक बार, ऐसा है। हाँ हाँ, जो चीज़ है करेक्ट। और यहाँ पे हम लोगों ने आज हम लोग का देख सकते हैं, हम लोग का आर्ट कंपटीशन चल रहा है, तो यहाँ पे नर्सरी से लेके एनी एज तक हम लोगों ने रखा, बट देर आर 4 ग्रुप्स ऐसा करके है। और थीम रखा है हम लोगों ने स्वच्छ भारत रिवर साइड, तो जैसे स्वच्छ भारत एक अभियान चल रहा है तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको रिवर साइड का ही एक थीम दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आपको रिवर साइड देखे हैं कितना भी गंदा है, लेकिन यहाँ पे एक हम लोग का NGO है जिन्होंने पूरा ये जहाँ पे इवेंट हो रहा है अभी आपका, वो पूरा साफ किया है उन लोगों ने, उनका वॉलंटियर्स ने, और उसको एक अच्छा सा नया मतलब लुक्स दिया है। आप एक देखेंगे हम लोग का यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन है, बड़ा सा फिश है वहाँ पे, उस फिश को बनाया गया है और उसके अंदर में कचरा डाला गया है, मतलब तो जस्ट सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ना कि हम लोगों ने कितना गंदा किया है और हमारा जो पानी में जो भी जीव हैं वो कैसे जी रहे हैं, कितना कष्ट से उनका जीवन यापन हो रहा है, वही बात। मैं काइट फेस्टिवल को, काइट एंड रिवर फेस्टिवल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जितने भी इतने आर्टिस्ट हैं ना, उनको इतना सुंदर सा प्लेटफॉर्म दिया है। दे हैव गिवन अ स्पेस, दे हैव गिवन देयर अपॉर्चुनिटीज़, एक अच्छा क्राउड दिया है, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल नियर अबाउट 15,000 क्राउड हो चुके हैं। अच्छा लगता है ना कि अभी 8-9 महीने हम लोग घर पे रहे, ठीक है, कोई कुछ था नहीं, तो उसके बाद एक अच्छा सा माहौल मिल रहा है, लोग ओपनली थोड़ा आ रहे हैं, फिर भी कोई मास्क पहन रहा नहीं पहन रहा वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट पीपल आर ट्राइंग टू एडजस्ट देयर ऑन देयर मैंने डे टू डे लाइफ में। तो हम चाहते हैं कि लोग खुशियाँ खुश रहें, तो उसके उसी कामना से हम लोगों ने ये किया है। वहीं इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर सुरेश रंजन गोदुका ने भी कहा कि किस तरह यह महोत्सव युवा पीढ़ी को अपने हुनर के प्रदर्शन के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ब्रह्मपुत्र देश की सबसे बड़ी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र के किनारे में बहुत सारा एक्टिविटी होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको डंप यार्ड बना दिया है हमने। तो गुवाहाटी के लोगों ने ब्रह्मपुत्र की नदी के दोनों किनारे को मतलब एकदम ऐसा लगता है कि डस्टबिन है, तो हम इसको उसके बदले में एक अल्टरनेटिव सिचुएशन देना चाहते हैं। तो ये हालांकि ये टेम्पोरेरी 3 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन उसके लिए हम करीब 1-1.5 महीने से यहाँ पे लगे रहते हैं। तो आज जहाँ खड़े हैं हम यहाँ पे, 15 दिन पहले सब कुछ गंदा था, आप यहाँ 5 मिनट भी नहीं रुक सकते, तो सब कुछ हमने साफ किया, यहाँ पे हमने इकट्ठा किया है, जो भी इंस्टॉलेशन किया है, जितना भी गंदा कचरा है जो इकट्ठा हुआ है, और हम यहाँ पे आर्टिस्टिक कुछ एनवायरमेंट
एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, क्रिएटिव प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रहे हैं, कंपटीशन हो रहे हैं, इंस्टॉलेशन हो रहे हैं, फूड का अरेंजमेंट है। तो हम चाहते हैं कि नदी के किनारे इस तरह से रहे। तो ये 6 महीने तक ऐसा मतलब सूखा रहता है यहाँ पे, 6 महीने तो बाढ़ में रहता है। तो अक्टूबर से अप्रैल तक जो हमारा असम का टूरिस्ट सीजन भी है, नॉर्थ ईस्ट का टूरिस्ट सीजन है, तो हम चाहते हैं कि उस समय यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज हो। तो इसीलिए इस बार हमारे 10 साल हो गए, तो ये 10 साल से हम लगातार ये कर रहे हैं। हमारा ये जो है इस बार पहला जीरो वेस्ट इवेंट है, जो असम का तो पहला जीरो वेस्ट इवेंट है ही, नॉर्थ ईस्ट का मुझे ठीक से पता नहीं होगा। तो जहाँ पे ये अर्बन फेस्टिवल्स होते हैं, हम बहुत सारा वहाँ पे वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो ये ऐसा इवेंट है जहाँ पे कोई भी वेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा, जितना भी यहाँ पे वेस्ट है सब हम सेग्रीगेट कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं। तो जब हम ये साइट छोड़ के जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी गंदा नहीं रहेगा, एक तो ये है। दूसरा, हम करीब 10 NGO के साथ टाई अप करके यहाँ पे हम कुछ इको फ्रेंडली जो एक उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस कर रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं। और इसीलिए यूथ तो सारे यूथ ही है बेसिकली, हमारे वॉलंटियर्स करीब 120 वॉलंटियर है, सारे के सारे यूथ है। तो ये एक यूथ इनिशिएटिव ही है। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जीवन इनिशिएटिव, बेसिकली ये यूथ के लिए ही, अर्बन यूथ के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन गाँव में ही काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो अर्बन यूथ है, जो शहरों के जो युवक है, उनके बीच भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग काफ़ी लीडिंग पोजिशन में रहते हैं और उनका एक से होता है। और गाँव में नदी को अपना परिवार जैसा माना जाता है, लेकिन शहरों में नदी और नाला एक जैसा हो जाता है, जैसे भरलू नदी को गुवाहाटी में हमने ख़त्म कर दिया। तो इसीलिए हम यूथ को लेकर ही हम काम कर रहे हैं। और इस बार क्योंकि ये पेंडेमिक के बाद जरा लोग नेचर के प्रति ज़्यादा एक रुचि रही है लोगों की रुचि रही है, इसीलिए लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम शायद करीब 20,000 लोग यहाँ पर आ जाएंगे 3 दिन तक, तो हम इसके लिए काफ़ी शुक्रगुजार भी है। इन सब के बीच आयोजन स्थल पर पहुंचे लोगों ने भी खूब मस्ती और उल्लास के साथ कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया। हाँ, आर्टिस्ट को तो बहुत देखा है, अच्छा है, बहुत दे आर टैलेंटेड एंड क्रिएटिव एज वेल। अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मेरी कजिन का है, ये फोटोग्राफी का जो भी है, तो खासकर उनके लिए आई थी मैं, इनको इनकरेज करने के लिए। बहुत अच्छा है इवेंट, इट्स अ नाइस गैदरिंग। आई मीन फॉर सो लॉन्ग वी हैवंट बीन कमिंग आउट, इज नॉट इट? सो इट्स अ नाइस हैप्पी फीलिंग। Definitely. It's a thing. It's a motivation for youth and even for others also, for everybody. You know, it's just not youth. Everybody will feel motivated, I think, to perform also. कोरोना महामारी के बाद अब जिंदगी एक बार फिर पटरी पर उतर आई है। लोग एक बार फिर जश्न और समारोहों में बेझिझक शामिल हो रहे हैं। वहीं पतंग उत्सव के मौके पर एक बार फिर बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में खासा उत्साह देखा गया। गुवाहाटी वासियों के लिए खत्म हुआ पतंग महोत्सव का इंतजार। जी हाँ, हम लोग इस वक्त मौजूद है पतंग फेस्टिवल में, जहाँ पर नीले आसमान के नीचे निराली छटा देखने को मिली है पतंगों की। लोग यहाँ पर आनंद से पतंग उड़ा रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं इस फेस्टिवल का। कैमरा पर्सन जीतू दास के साथ सुष्मिता दत्ता की रिपोर्ट, गुवाहाटी से नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।